Hello students, welcome you all to ABC Aptitude Booster Class where you learn everything from basics. तो आज हम वोकैब डिस्कस करेंगे. मेरा नाम आशुतोष कुमार है और आप अपकमिंग SBI क्लर्क प्री के एग्जामिनेशन के लिए इस बुक को अमेजन से परचेज कर सकते हो. इस बुक के रीजनिंग का कंटेंट मैंने डेवलप किया है. इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं सॉल्यूशंस के साथ, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हो. तो चलिए वोकैब देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो है अर्नेस्ट, ये एक एडजेक्टिव है. इसका मीनिंग क्या होता है? सीरियस एंड सिंसियर, नॉट लाइट हार्टेड और प्लेफुल. तो ये क्लियर है. यहाँ पे एक बच्चे का डायग्राम है जिसमें वो बच्चा सीरियसली बुक को पढ़ रहा है, तो ये क्लियर है, मतलब वो सिंसियर है. एडवर्ब क्या हो जाएगा? अर्नेस्टली. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई विल एक्सेप्ट ओनली एन अर्नेस्ट अपोलॉजी फ्रॉम यू. सिनोनिम्स हो जाएगा सीरियस, ग्रेव, सीवियर, सोबर. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्लिप, फ्लिपेंट, जोकिंग, प्लेफुल. ये क्लियर है. अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है नाइट. नाइट नाउन की तरह भी यूज होता है, वर्ब की तरह भी यूज होता है. जब नाउन की तरह यूज होता है तो इसका मीनिंग होता है अ सोल्जर इन द पास्ट हु हैड अ हाई सोशल रैंक एंड हु फॉट वाइल राइडिंग अ हॉर्स एंड यूजुअली वियरिंग आर्मर. तो आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो. यहाँ पे एक सोल्जर है जो कि आर्मर पहना हुआ है और हॉर्स राइड करते हुए फाइट के लिए तैयार है. यहाँ पे वर्ब क्या, वर्ब की तरह जब यूज होगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू गिव अ मैन द रैंक ऑफ अ नाइट. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही वॉज मेड अ नाइट. और दूसरा एग्जाम्पल है ही इज टू बी नाइटेड बाय द क्वीन फॉर हिज करियर एज एन एक्टर. तो आपको इसमें बताना है कि किस एग्जाम्पल में ये नाउन की तरह यूज हुआ है और किस एग्जाम्पल में ये वर्ब की तरह यूज हुआ है. तो ये क्लियर है, तो आप इसके आंसर को नीचे कमेंट कर सकते हो. तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है कन्वेंशन. ये एक नाउन है. इसका मीनिंग क्या होता है? अ लार्ज मीटिंग ऑफ पीपल हु कम टू अ प्लेस फॉर यूजुअली सेवरल डेज टू टॉक अबाउट देयर शेयर्ड वर्क एंड अदर इंटरेस्ट और टू मेक डिसीजंस एज अ ग्रुप. और अ कस्टम और अ वे of acting or doing that is widely accepted and followed. तो ये क्लियर है. आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जो एक जगह बैठकर अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं एज अ ग्रुप. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वी गो टू द वीक लॉन्ग एनुअल टीचर्स कन्वेंशन एवरी समर. और यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा असेंबली, कांग्रेस, मीटिंग, काउंसिल, कन्वोकेशन. तो ये क्लियर है. अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है अजर्ट. ये एक वर्ब की तरह यूज होता है. इसका मीनिंग क्या होगा? टू स्टेट समथिंग इन अ स्ट्रॉन्ग एंड डेफिनेट वे, टू डिमांड दैट अदर पीपल एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट समथिंग. यहाँ पे आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो. यहाँ पे एक आदमी जो है लाउड स्पीकर लगा के दूसरे को कुछ स्टेट कर रहा है, कुछ बता रहा है स्ट्रॉन्ग और डेफिनेट वे में. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही अजर्टेड दैट देयर वर स्पाइज इन द गवर्नमेंट. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अफर्म, एवर, अवो, डिक्लेयर, प्रोफेस. और एंटोनिम हो जाएगा इसका डिनाई. तो ये क्लियर है. अब चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. तो लास्ट वर्ड है कंपेल. ये एक वर्ब की तरह यूज होता है. मीनिंग क्या होता है? टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, टू मेक समथिंग हैपन, टू फोर्स समथिंग. आप इसे इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हो. यहाँ पे तीन डायरेक्शन दिया हुआ है और एक आदमी जो है दूसरे को फोर्स कर रहा है इस डायरेक्शन में जाने के लिए. एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? कंपेलेबल. और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इलनेस कंपेल्ड हिम टू स्टे इन बेड. सिनोनिम हो जाएगा ब्लैक जैक, फोर्स, कंस्ट्रेन, इम्पेल, ऑब्लिगेट. तो ये क्लियर है. तो आज के इस लेसन में बस इतना ही. आप इस क्लास के PDF को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो. और आप इस अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.